सिटी लाइव द्वारा चिरकुंडा बालूघाट से अवैध बालू उठाव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद शनिवार को धनबाद उपायुक्त संजीव सिंह के नेतृत्व में टीम बराकर नदी घाट का औचक निरीक्षण किया गया। जब उपायुक्त बालूघाट पहुंचे, उस वक्त बराकर नदी घाट में कुछ भी साक्ष्य नहीं मिला, जिससे उपायुक्त काफ़ी नाखुश दिखे। उन्होंने चिरकुंडा थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह और SDPO निरसा पीताम्बर सिंह खेरवार से बालू उठाव लेकर जानकारी मांगी। डीसी ने कहा कि अभी NGT चल रहा है, ऐसे में सभी नदियों से बालू उठाव पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। अगर नदियों से बालू का उठाव हो रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में खनन पदाधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उनके साथ SDM प्रेम कुमार तिवारी, MO मिहिर सलकर, खनन निरीक्षक चिरकुंडा, अंचल पुलिस निरीक्षक योगेंद्र पासवान सहित पुलिस बल मौजूद रहे। जून से लेकर अभी पूरे मानसून पीरियड में बालू का उठाव बालू घाटों से नहीं होना है और धनबाद जिले में एनी वेज कोई वैध बालू घाट अभी कार्यरत नहीं है। कुछ जगहों की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यहाँ से बालू घाट से बालू अवैध रूप से उठाने की शिकायतें आ रही हैं और उसी कड़ी में आज यहाँ चिरकुंडा में और दूसरा बैजरा जो बालू घाट है उसका माइनिंग विभाग के पदाधिकारियों के साथ में पुलिस विभाग के पदाधिकारी SDM और बाकी स्थानीय अंचल अधिकारियों के साथ में निरीक्षण किया गया है और सभी को निर्देश दिया गया है कि क्योंकि ब्लैंकेट बैन बालू उठाव पर है, पुलिस की रेगुलर पेट्रोलिंग भी इन एरियाज में किसी तरह का बालू उठाव नहीं हो ये सुनिश्चित करें और उसके बाद भी अगर किसी के द्वारा प्रयास किया जाता है इस तरह के कामों में लोग लेते हैं तो उनको चिन्हित करते हुए नामजद FIR दर्ज करें, गिरफ्तारी करें, कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर, यहाँ घोड़ा में बालू करके ट्रक के माध्यम से दूसरे राज्यों में भेजा, उस तरह के सिंडिकेट पे क्या ये जैसे सामने जितना शरीर बालू नजर आ रहा है चाला, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये निर्देश के स्थानीय स्तर पर कौन से लोग हैं जिनके द्वारा ये बालू उठाव किया जा रहा है। कुछ उसमें से होंगे जो ऑर्गेनाइज तरीके से बालू उठाव करते हैं, कुछ स्थानीय अपनी ज़रूरत या खपत के लिए करते होंगे, लेकिन चूंकि अभी मानसून सीजन में उठाव बैन है तो विशेष रूप से फोकस जो सिंडिकेट या जो ऑर्गेनाइज तरीके से संगठित रूप से लोगों को क्लब करके यहाँ से बालू उठाव करते हैं और चाहे धनबाद ज़िले में या फिर जैसा आप बता रहे हैं कि दूसरे अगल बगल के राज्य के ज़िलों में जाते हैं तो उनको चिन्हित करते हुए उन पर नामजद FIR करें, कार्रवाई करें, उनकी अरेस्टिंग हो, इसका निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया गया है। सर, ज़िला में कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें बालू की खपत होती है, जैसे पास में ही एक ओवर ब्रिज बन रहा है, अग्यारकुंड में ब्लॉक की भवन बनाई जा रही है, उन सब जगहों में बालू कहाँ से आपूर्ति हो रही है और कैसे हो रही है? जो चिन्हित स्टॉकिस्ट हैं माइनिंग विभाग के और माइनिंग पीरियड जब से बंद हुआ है 10 जून उससे पहले उनका सबका एक बार असेसमेंट जिला की जो माइनिंग टीम है उसने किया है कि किन के पास कितनी मात्रा में बालू उपलब्ध है, जो वैध स्टॉकिस्ट हैं उन्हीं से बालू जिनको भी ज़रूरत है वो वहाँ से बालू प्राप्त कर सकते हैं। इन केस अगर लगता है कि उनके पास पर्याप्त बालू नहीं है तो निकटवर्ती जो वैध स्टॉकिस्ट हैं उनके यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस अवधि में कहीं से उठाव करके बालू प्रोक्योर करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।